थ्री हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। चार कट आत्मा राम, ये चार चरणों में आत्मा की शुद्धि करता है। भाई आप पट्टी पैंट क्यों पहन रहे हैं? तेरी गोटी दिख रही है क्या? नहीं भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिल्मी क्रेज। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स ओरिजिनल गन्स एंड गुलाब्स वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज बन गई है। इस वेब सीरीज को देखने के बाद सच में मजा आ गया। भाई साहब क्या वेब सीरीज बनाया है, फाड़ू है। इस वेब सीरीज की सबसे खास बात मुझे इसके कैरेक्टर्स लगे और उनकी जबरदस्त एक्टिंग। मुझे इसमें सबसे ज्यादा चार कट आत्माराम का परफॉर्मेंस जबरदस्त लगा। चार कट आत्माराम का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। इस वेब सीरीज में आपको राजकुमार राव पाना टीपू के रोल में, दलकीर सलमान अर्जुन के रोल में, सतीश कौशिक गांची के रोल में, गुलशन देवैया चार कट आत्माराम के रोल में नजर आते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन है ये चार कट आत्माराम। दोस्तों, गन्स एंड गुलाब्स वेब सीरीज में चार कट आत्माराम का रोल निभाने वाले गुलशन देवैया एक बॉलीवुड एक्टर है जो शैतान, हेट स्टोरी, बधाई दो, कमांडो 3 जैसी पॉपुलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी फिल्मों में काम किया है। इस वेब सीरीज में चार कट आत्माराम यानी गुलशन देवैया ने एक विलन का रोल लिया है जिसमें लोगों को चार चरणों में आत्मा की शुद्धि करता है। ये वेब सीरीज बहुत ही जबरदस्त है। IMDb पर इसका रेटिंग 7.8 है। इसके अलावा इस वेब सीरीज में राजकुमार राव, दलकी सलमान ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया है। इसके अलावा इस फिल्म में महानायक स्वर्गीय सतीश कौशिक ने भी गांची का तगड़ा रोल निभाया है। चूंकि सतीश कौशिक जी हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी ये इनकी आखिरी वेब सीरीज ने हमें बहुत ज्यादा इंटरटेन किया है। सतीश कौशिक जी को नमन। तो दोस्तों आपका इस वेब सीरीज के बारे में क्या कहना है कमेंट करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फिल्मी क्रेज। थैंक यू।